श्रीमान सुखेंदु शेखर जी सहित अनेक साथियों ने यहां आर्थिक विषयों पर चर्चा की है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी मैंने सबसे आग्रह से कहा था कि ये सत्र पूरा का पूरा हमने आर्थिक विषयों की चर्चा के लिए समर्पित करना चाहिए, गहन चर्चा होनी चाहिए, सारे पक्ष उजागर होकर के आने चाहिए और जो भी टैलेंट हम लोगों के सबके पास है, कोई यहां हो अलग बात है, लेकिन हम मिलकर के ऐसी नई चीजें बताएं, ऐसी नई चीजें खोजें, ऐसे नए रास्ते डेवलप करें। और आज जो वैश्विक आर्थिक परिस्थिति है उसका अधिकतम लाभ भारत कैसे ले सकता है, भारत अपनी जड़ें कैसे मजबूत कर सकता है, भारत कैसे अपने आर्थिक हितों का विस्तार बढ़ा सकता है, उस पर हम गहन चर्चा करें। ये मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में सबके सामने रिक्वेस्ट की थी और मैं चाहूंगा इस सत्र को पूरी तरह देश के आर्थिक विषयों पर हमें समर्पित करना चाहिए। बजट पर चर्चा होनी है, उसको और अधिक विस्तार से चर्चा करें। अमृत ही निकलेगा, हो जाए कुछ छिटा कसी हो जाएगी, तू मैं हो जाएगी, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे, फिर भी मैं समझता हूं उस मंथन से अमृत ही निकलेगा। और इसलिए मैं फिर से निमंत्रित करता हूं सबको कि अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक नीतियों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे अनुभवी महानुभाव हमारे बीच में है, जरूर देश को लाभ मिलेगा और हमें करना चाहिए। हमारा मन इसके विषय में खुला है। लेकिन यहां जो अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई है, देश को निराश होने का कोई कारण नहीं और निराशा फैला करके कुछ पाने वाले भी नहीं है। आज भी देश के अर्थव्यवस्था के जो बेसिक सिद्धांत है, मानदंड है, उन सारे मानकों में आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की पूरी ताकत रखती है। इनहेरेंट ये क्वालिटी उसके अंदर है और कोई भी देश छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ा सोचे, दूर का सोचे, ज्यादा सोचे और ज्यादा ताकत से आगे बढ़े। इसी मूल मंत्र को लेकर के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले दिन हम कह दें नहीं ये तो संभव ही नहीं है, अरे भाई जो संभव नहीं है तो फिर क्या संभव है वही करना है क्या? हर बार हमने इतना ही करना है, दो कदम चलते वही चलना चाहिए क्या? अरे कभी तो 5 कदम के लिए हिम्मत करे, कभी तो 7 कदम के लिए हिम्मत करे, तभी तो देश चलता है। ये निराशा देश का भला कभी नहीं करती और इसलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने का सब सुखद परिणाम यह हुआ है कि जो विरोध करते हैं उसको भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी पड़ती है। हर किसी को आधार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ, वरना हम ऐसे ही मोहल्ले में खेलते रहते जी। अब दुनिया के सामने खेलने का एक कैनवास तो खड़ा कर दिया है, मानसिकता तो बदली हमने। और इसलिए और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए गांव और शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एमएसएमई क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, जहां रोजगार की संभावना है, हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले, टूरिज्म एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें जितना पिछले 70 साल में टूरिज्म को, भारत को जिस प्रकार से हमने ब्रांडिंग करना चाहिए था, किसी न किसी कारण से हम वो मिस कर गए हैं। आज भी अवसर हैं और भारत को भारत की नजर से ही टूरिज्म डेवलप करना चाहिए। पश्चिमी नजर से भारत के टूरिज्म को हम डेवलप नहीं कर सकते। दुनिया भारत को देखने आनी चाहिए, वरना उसको हंसी खुली की दुनिया देखनी है तो दुनिया में बहुत जगह पे है, वो वहां चले जाते। मेक इन इंडिया पर हमने बल दिया है और उसके सुफल नजर आ रहे हैं। विदेशी निवेश की आंकड़े आप देखते होंगे,
टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के सारी प्रोसेस को सरल करने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है और दुनिया में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग की बात हो या भारत में ईज ऑफ लिविंग का विषय हो हमने एक साथ दोनों को हमने बैंकिंग सेक्टर में मुझे बराबर याद है जब मैं गुजरात में था तो कई बड़े विद्वान जो एक आर्टिकल लिखते थे वो कहते हमारे देश में बैंकों का मर्जर करना चाहिए और अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा। ऐसा हमने कई बार पढ़ा है, ये सरकार है जिसने कई बैंकों का मर्जर कर दिया, आसानी से कर दिया और आज ताकतवर बैंकों का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, हो गया जो आने वाले देश में देश की फाइनेंशियल रीढ़ को मजबूती देगा, गति देगा। आज मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक नया दृष्टिकोण भी देखना होगा कि जो बैंकों में पैसे फंसे क्या कारण था। मैंने पिछली सरकार के समय पर विस्तार से कहा है और मैं बार बार किसी को भी नीचा दिखाने के लिए प्रयास नहीं करता हूं। देश के सामने जो सत्य रखना चाहिए रख करके मैं आगे बढ़ने में ही अपना समय लगाता हूं, ऐसी चीजों में अपना समय व्यर्थ में गवाता नहीं हूं, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है।